कानून की दृष्टि से आज का दिन क्यों खास है? आज का दिन कानून की दृष्टि से इसलिए खास है क्योंकि इस देश का जो पूरा कानून है वो संविधान से चलता है, और संविधान के जो रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। और इसलिए भी खास है आज का दिन क्योंकि आज से पहले ही संविधान बना था, संविधान आया था, और उसके आने के बाद ही पूरा देश चलता है। आप थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जाने माने एडवोकेट अभिषेक रासे। थैंक यू। ऐसा 14 अप्रैल को यहाँ लाखों लोग आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कार्यक्रम सरकार को हड़ताल करती है। अगर लोगों में ये जागरूकता ये संदेश नहीं है कि 6 दिसंबर को भी ऐसा ही कार्यक्रम सरकार करती है जैसा 14 अप्रैल को होता है, वैसे ही यहाँ गड़वाने लोग आते हैं, पूरा राष्ट्र आता है, और इधर पार्लियामेंट में जाके वो अपनी श्रद्धांजलि अपनी बाबा साहब को पेश करते हैं। पब्लिक हमारी धीरे धीरे आ रही है, इस बार आप देखेंगे अगर सामने तो हजारों आदमी इस बार आ रहा है। अब ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि 14 अप्रैल से ज्यादा लोग 6 दिसंबर में आएंगे। धन्यवाद। आप लोग आज कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र पुणे से। पुणे से आए हैं? यस। कितने लोग आए आज पुणे से? हम 25 लोग आए हैं, हमारा ग्रुप है। अच्छा, सब लोग पुणे से हैं? हाँ जी। अब दिल्ली वालों को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी दिल्ली वाले को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी सेवा कर दी है आपने हमारी, हम बहुत खुश है। तो आज आप पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ, यहाँ पे पहली बार आए। 6 दिसंबर को पहले नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो आने का प्रोग्राम कैसे बना? ऐसा हमारे विजय बोध साहब बोले कि जहाँ पे बाबा साहब जी की जान गई है, हम हर साल अभी जहाँ से बाबा साहब की जान गई वहाँ जाएंगे। हम फर्स्ट टाइम आए और अगले साल और भी बड़ा ग्रुप लेके आने का प्रयास करेंगे। हाँ बताइए। हम पुणे से आए है, जो बाबा साहब का परिनिर्वाण यहीं पे हुआ था 26 साली पूर्व उनके बंगले पे, और उनका जो ये देह है उनका बॉम्बे लिया, शो जो है उनका जो बॉम्बे लिया गया, तो ये जो मनुवादी लोग है उन्होंने एक षड्यंत्र करके जो हमारे बाबा साहब को, जो हमारे मसीहा को, उनका जो शो है बॉम्बे लिया गया। उनको मालूम था ये मनुवाद को कि आगे चल के क्रांति बनेगी और सब लोग यहीं पे आएंगे,
ये जो उनका जो पूरा बाबा साहब का जो मानने वाला जो वर्ग है जो यहीं पे आएगा, इसलिए उन्होंने श्रेयंत करके उनका शव मुंबई में भेज दिया है। इसलिए मैं काफ़ी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली आए, जो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण यहाँ पे हुआ था वो यहाँ के आए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इस बार आप कितने लोग आए हैं? इस बार हम करीब 25-26 लोग आए हैं। और आज आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए। ये पूरा ग्रुप है? हाँ, ये पूरा ग्रुप है। ये हमारे भास्कर साहब है, हमारे लीडर है। ये बहुत बड़े अच्छे धार्मिक लीडर है, ये बहुत आचरणशील है। आप लोग बताइए, आपको आने की प्रेरणा कैसे मिली? जितने पुरुष लोग हैं उन्होंने कहा आने के लिए, या फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो महिलाओं को आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप लोग इतने नंबर में आए हैं, पुणे से आए हैं, तो आपको आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कैसे आए? बाबा साहब जहाँ निर्माण हो गए ना, वो पहले टाइम हम जाने का था, फर्स्ट टाइम, इसके वास्ते हम आए इधर। आप बताइए। जय भीम नमो बुद्धा। हम हमारे घर वाले बोले कि यहाँ जो है जो निर्माण हो गए, इसको जाएंगे पहला, इसको अभिवादन करेंगे, फिर बॉम्बे जाएंगे। हर साल बॉम्बे जाते हैं हम। अच्छा, हर साल आप बॉम्बे जाते हैं? आप सब लोग हर साल बॉम्बे जाते हैं? अच्छा, पहली बार दिल्ली आए हैं? हमेशा भी यहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में सभी लोग आते हैं मुंबई में, मुंबई में आते हैं चैत्य भूमि में दर्शन कराने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग जहाँ पे बाबा साहब जी ने आखिरी सांस ले ली है वहाँ पे जाके उनका दर्शन करके कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। ये पर्पज से हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ये हमने इन हमारे घर वालों को भी सब इन्होंने मुरझा ले लिए हमसे, और वो भी तैयार हो गए कि चलो हम भी चले। बच्चे भी आए हैं? चाय लेके आ रहा है।
जय भीम जय भीम जय लेट लगे लाइन में आप ज्यादा संख्या में लोग आए हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हमारे साथ तालाबड़ा बहुत जी हैं जो यहाँ पे बाबा साहब के हजारों की तादाद में चित्र बांटने बाबा साहब के चित्रों को बांटने का क्या उद्देश्य है? नहीं बिक रहे लाइन वाले से कोई जुड़ा मान लगा नहीं है कहाँ से आए हैं आप लोग? पूना से आए हैं। हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आने की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई आपको? कहाँ से आपको पता चला कि आना है? हमारे मामा से। अच्छा, महाराष्ट्र से हमारे साथी खड़े हुए हैं जो सिर्फ लाइन में लाइन में और बाबा साहब को अगरबत्ती जलाने के लिए आए हैं और दिल्ली के लोग तक यहाँ पर नहीं आ पाते। मैं यूपी आने के लिए आया हूँ, बाबा साहब को मानने के लिए आया हूँ, बाबा साहब की मानने के लिए आया हूँ। मैं दो बच्चे बेटे हैं, एक बेटे को डॉक्टर है। समाज से अनुरोध है कि बाबा साहब को न मानकर बाबा साहब की माने। जी, बाबा साहब की माने। आपने कितने अच्छे से बताया, पूना से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से, पूना से साथी आए हुए हैं। दिल्ली के लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हुए, बहुत होगी अलग अलग बना रहा हूँ। प्रदेश से यहाँ पे लोग
भारत की हिस्ट्री में दिल्ली के अंदर आज पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है कि सरकार के अलावा जो हमारे अपने एससी एसटी और ओबीसी के संगठन हैं उन्होंने 6 दिसंबर में पहली बार स्टॉल यहाँ लगाया। ये संसद मार्ग है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्ग है, राजपथ की तरह से एक तरह से समझ लें आप, आगे संसद है और यहाँ 6 दिसंबर को बाबा साहब को कृतांजलि ऑनर ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। हमारे साथ में SBI और RBI बैंक के जितने भी SC, ST और OBC के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने ये पहल किया, क्योंकि ये पहल पूरे भारत में अद्भुत है। तो हम सबसे पहले पूछेंगे गुरेवा जी, जो GP गुरेवा जी, जो जयप्रकाश गुरेवा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चलाते हैं, आपको ये ख्याल कैसे आया कि 6 दिसंबर को यहाँ टेंट लगा के 14 अप्रैल जैसी सेवा दी जाए? सबसे पहले मैं सभी को जय भीम। साथियों, सबसे पहले हमारे साथ ये जय भगवान बौद्ध जी खड़े हैं जो स्टेट बैंक SC ST एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज़
एसोसिएशन के प्रधान हैं दिल्ली सर्कल के, इन्होंने और मैंने दोनों ने मिलके और एक ये विचार मन में लाया दोनों ने कि हम 6 दिसंबर को बाबा साहब की श्रद्धांजलि के दिन, जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस जिसको हम मनाते हैं, उस परिनिर्वाण दिवस के दिन यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अंदर लोग जाते हैं और बोलिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर सिर्फ लोग जाते हैं और वहाँ अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ एक साइड से लोग जाते हैं और दूसरी साइड से निकल के वापस बाहर आ जाते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करके आते हैं। हमारा ये विचार बना कि 14 अप्रैल के दिन यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बहुत बड़ा एक मेला लगता है और उस मेले को समास नाम की संस्था है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। प्रधान तो आप ही हैं, आप ही ऑर्गेनाइज करते हैं बेसिकली। हाँ, आप लोगों के बनाए हुए प्रधान हैं हम, आप सबने आपने ली है, बहुत अच्छी तरह से आप निभा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो ओपी गौतम जी आकाशवाणी से हैं, वो उनके महासचिव हैं, तो हमने यही सोचा कि 14 अप्रैल की तरह क्यों नहीं यहाँ पे 6 दिसंबर को भी उसी तरह का 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को सरकार की तरफ से वही फैसिलिटी आती है। ये मैं आपके संज्ञान में ला देता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक हमें किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी या किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं करता इस प्रोग्राम के लिए। हम सिर्फ हमारे मेंबर्स से और वेलविशर के कंट्रीब्यूशन से ये प्रोग्राम करते हैं। आज भी जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं या जो प्रोग्राम अभी किया है हमने, उस प्रोग्राम को भी हम अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से ही करते हैं और उसी को किया है। तो सरकार की ओर से हमें किसी तरह की कोई सहायता इसमें नहीं मिलती है। तो हमारे मन में विचार आया कि ये प्रोग्राम बड़ा किया जाए और यहाँ श्रद्धांजलि देने लोग आते हैं, उनको सुबह चाय और कुछ नाश्ते का प्रोग्राम किया जाए। जय भगवान जी, आप बताइए कि SBI इतनी बड़ी संस्था है, आपने 6 दिसंबर का कार्यक्रम यहाँ स्टॉल लगा के शुरू करने का कैसे सोचा? मान्यवर जी अभीम, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2007 में जो 26 अलीपुर रोड है, शांत हो जाओ, 26 अलीपुर रोड है, वहां पे 5 दिसंबर को हमेशा अंधेरा रहता था। 2007 में पहली बार मैंने परमिशन ली और 200 लोगों के साथ ले जाके वहां पे 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब की श्रद्धांजलि की पूर्व संध्या पे प्रोग्राम शुरू करवाया। तो आज वहां पे 5 दिसंबर को 20,000 लोग जो है होते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम 14 अप्रैल को यहाँ पूरा मेला लगाते हैं, हमारे ये दिमाग में एक बात थी कि 14 अप्रैल को लोग आते हैं बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से 6 दिसंबर का प्रोग्राम भी हम शुरू कर देंगे हम RBI की एसोसिएशन के साथ मिलके। तो निश्चित तौर से ये एक दिन वैसा ही मेला शुरू हो जाएगा और लोग बाबा साहब को पूरा दिन श्रद्धांजलि दे पाएंगे और सरकार को पता चलेगा कि जिस तरह से उम्मीद है कि अगली बार और भी संख्या और भी 14 अप्रैल लोग आएंगे यहाँ। सर हमें उम्मीद है अगली बार यहाँ पे 50 टेंट होंगे, 50 पंडाल लगेंगे और बराबर वो प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और बाबा साहब से रिलेटेड उनकी बायोग्राफी और चाय पान का इंतजाम करेंगे। मगर 14 अप्रैल के लिए तो सरकार थोड़ा बहुत पैसा कुछ संगठनों को देती है, 6 दिसंबर को देती है, फिर कैसे करेंगे? हमारे जो भी PSUs के संगठन है, हमारे मेंबर है परमानेंट और जो है एसोसिएशन का अपना अकाउंट है उसमें मेंबरशिप आती है, उसमें से हम ये पैसा खर्च करेंगे। आपके SBI हर साल मिलेगा हमें 6 दिसंबर को यहाँ? बिल्कुल, जब तक हमारी एसोसिएशन है, ना कि जय भगवान बौद्ध, जब तक एसोसिएशन है तब तक आज से आगे बराबर 6 दिसंबर को हमारा पंडाल होगा। और अगर जय भगवान बौद्ध नहीं रहे तब संस्था रहेगी सर, संस्था में जो भी कार्यकारिणी आएगी। बिल्कुल सर, ये हम इतना जब तक हम यहाँ पे रहेंगे इतना पॉपुलर कर देंगे कि आने वाली कार्यकारिणी को ये उनकी मजबूरी बन जाए और ये प्रोग्राम करें वो। रेवा जी एक बात बताइए आप मुझे, क्या आप ये चाहेंगे कि जो 14 अप्रैल को टेंट लगाता है और जो 6 को लगाता है 6 दिसंबर को, तो 6 दिसंबर वाले को प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो 14 को भी लगाए? मेरे हिसाब से प्रायोरिटी का इसमें कोई सवाल नहीं है, दोनों को ये है कि जो 6 को भी लगाता है उसको प्राइम जगह दी जाए, जो 14 को 6 को दोनों लगाता है और जो खाली 14 को लगाता है उनको पीछे दिया जाए जगह। सुधीर राज जी, मेरे हिसाब से
पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट प्राइम जगह है, पूरे भारत वर्ष की सबसे प्राइम जगह है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट ही है। आरबीआई सबसे ज्यादा प्राइम है, ये पूरे देश की सत्ता चलाता है। तो इसके इसी के उसमें मैं आपकी बात बड़ी करते हुए कहता हूँ कि इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक दोनों ने मिलकर प्रोग्राम की शुरुआत की है 6 दिसंबर के प्रोग्राम के आज, तो आगे भी ये प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। उन संगठनों को क्या कहना चाहेंगे जो 14 अप्रैल को आते हैं और 6 दिसंबर को नहीं आए अभी तक? उन सबसे मेरी यही विनती है, प्रार्थना है कि 6 दिसंबर को वो सभी अपने भाई टेंट लगाएं और अपनी अपनी तरह से जो भी व्यवस्था बन पड़ती है वो व्यवस्था करें, यही मेरे उनके लिए आग्रह है, यही संदेश है। कुछ कहना चाहेंगे आप जय भगवान बौद्धी जो लोग 6 दिसंबर को नहीं आ रहे हैं आपके और जिस संगठन उनके लिए? सर ये तो एक जागरूकता अभियान है, जितना हम लोगों को जागरूक करेंगे उतना ही वो 6 दिसंबर को भी बाबा साहब को आके श्रद्धांजलि देंगे। चलिए आपको बहुत बहुत पूरे भारत की तरफ से धन्यवाद है, मुबारकबाद है कि आपने 14 अप्रैल की तरह ये जो मेला है जो जूनी फसल मेला है 6 दिसंबर का आरंभ किया, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर ये 14 अप्रैल से भी बढ़ा जाएगा, क्योंकि लोग एक बार जन्म दिन पर आए ना आए मगर अंतिम सांस के दिन पर जरूर आना चाहिए और आते हैं। आपको भी ढेर सारा साधुवाद जो आप बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए आप भी संसद मार्ग पे हैं और ये प्रोग्राम आप कवर कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद।